नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहर के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में। मैं प्रताप परमार आज दिन भर की खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मीनापुर हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। साहिबगंज रामपुर हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 वर्षों का मांगा हिसाब। और सदर थाना क्षेत्र के मोझलिया मोहल्ले में एक फ्लैट से चोरों ने लगभग 30 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। और ये थी आज की हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि 7 निश्चय के भ्रष्टाचार में जेल जाना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक अपने चरम पर है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब तो 10 नवंबर को ही मिलेगी, क्योंकि इस बार के चुनाव कयासों से बिल्कुल हटकर है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान ने खुलेआम ऐलान किया है कि लोजपा सत्ता में आती है तो 7 निश्चय योजना के घोटालों की जाँच होगी। सीएम ने भ्रष्टाचार किया तो वो सीधे जेल जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए चिराग पासवान मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर पहुंचे थे। मीनापुर हाई स्कूल मैदान में मनोज कुमार कुशवाहा के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने नीतीश सरकार पर कई सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान मैं जहां कहीं गया लोगों ने यही बताया कि 7 निश्चय योजना में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है, 40-40% तक कमीशन चला, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। सभा में उन्होंने शराबबंदी पर बोलते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी में नीतीश जी ने तो जो शराब तस्कर बनाए हैं, जो शराब ब्लैक में बेचते हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, नीतीश जी की जेब में जा रहा है। अगली लोजपा की सरकार में इसकी भी समीक्षा कर आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। माता सीता का भी आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मातृत्व का सबसे खूबसूरत स्वरूप माता सीता है, नारी स्वाभिमान का स्वरूप माता सीता है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में युवा और जनता यहाँ उपस्थित है, जो बिहार में एक बदलाव का संकेत है कि मुख्यमंत्री का जाना तय है। जो कह रहे हैं कि आप भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, ये देख लीजिए क्या ये भ्रम है। और बिहारी युवा को अगर आप भ्रम बोल रहे हैं तो भ्रमित आप खुद हो रहे हैं। ये बिहार की जनता और युवा इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में, ये बदलाव का संकेत है, मुख्यमंत्री का जाना तय है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने फिर से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। साहिबगंज प्रखंड के रामपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल के मैदान में साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद के उम्मीदवार रामविचार राय के समर्थन में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 15 सालों से एक भी कारखाना नहीं खुला, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है, इसलिए अब नया बिहार बनाने की ज़रूरत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो 10 लाख लोगों को नौकरियाँ दी जाएगी, कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। मौके पर साहिबगंज के विधायक रामविचार राय, राजद नेता अनिल यादव, मोहम्मद नसरुल्ला, युवा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार यादव, पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता, फुलदेव महतो, बबलू जायसवाल मौजूद थे। जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार और प्रसार के पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को पंजाब के वित्त मंत्री और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। पंजाब के मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के समर्थन में जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक किया। इस दौरान उन्होंने देश में कांग्रेस की उपलब्धियाँ बताई। उन्होंने कहा कि देश आज जिस भी ऊंचाई पर है वह कांग्रेस पार्टी की देन है। में जो तरक्की की जो कोशिश और काविश आप देखते हो, आप भाखड़ा डैम पे चले जाओ, चंडीगढ़ शहर चले जाओ, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, आईआईटीज में चले जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप कोई भी ईंट उठा के देख लो, उस ईंट पे कांग्रेस पार्टी का हवाला होगा। और मैं अंशुल जी को बता रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो सरकारी बाबू क्या करते थे, सुबह जब उठते थे अपने दफ्तर में झाड़ू देते थे और झाड़ू देने के बाद बाहर
वो हमारे पंजाब में तो कीकर बोलते हैं, बाबुल बाबुल या शायद उसको बोलते हैं, उसके इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो सुबह पहले बाबुल तो उसके कांटे चुग के लाते थे। पैसे नहीं होते थे कि कागज नत्थी करने के लिए, पिन खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। कांटों से शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, और आज अगर हिंदुस्तान एटमी ताकत है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज लद्दाख में जो फौज बैठी है, आप क्या सोचते हैं कि चीन हमला क्यों नहीं कर रहा? चीन हमला इसलिए नहीं कर रहा कि भारत एक एटमी कुव्वत है, और भारत के पास एटम बॉम्ब है, कहीं कोई दाएं बाएं गिर गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आज जब अंग्रेज गया था, सिर्फ 18 शहर ऐसे थे हिंदुस्तान में जहां शहर के कुछ हिस्से में बिजली थी। आज 12,00,000 गांवों में बिजली आई है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। हिंदुस्तान में सिर्फ 8 विश्वविद्यालय थे, आज 2,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन। ये तो ठीक है, अब जो नई पीढ़ी आई है, हमारे मेरी खुद की औलाद ये बोल देती है कि यार हमारे बाप ने क्या किया, टाइम वेस्ट ही करा, कुछ नहीं हुआ। पर माँ बाप को पता है कि औलाद जो है वो कितनी मुश्किल से हमने अपना घर चलाया। तो कांग्रेस जो ये बुनियाद है, जो बिहार की, जो पंजाब की, जो हिंदुस्तान की, वो बुनियाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने वो रखी है। और मैं आज ये जो आपके कैमरे हैं और कैमरे की आंखों के ज़रिए मैं बिहार के लोगों को ये अपील करने के लिए आज आया हूं कि आपने वोट देना है सोच समझ के, नाप तोल के, और जैसे मैंने कहा। और सबसे दुख इस बात का भी है भाइयों, पता नहीं ये बिहार में नैरेटिव है कि नहीं, कि मैं चाहे कितना भी तगड़ा हूं, मैं चाहे कितना भी तंदुरुस्त हूं, अगर मेरी आंख दुख रही है तो मैं बीमार हूं, अगर मेरा घुटना दुख रहा है तो मैं बीमार हूं, और अगर हिंदुस्तान का एक भी प्रदेश जो है वो पीछे रह गया तो हिंदुस्तान तंदुरुस्त नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान में कोई भी एक तबका है जो अपने आप को गैर समझता है तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और मोदी जी ने और बीजेपी ने जो राजनीति और जो बयानियां हिंदुस्तान में पेश किया है, मुझे लगता है इससे हमारा मुल्क जो है वो कमज़ोर होगा। सो मैं आज बिहार के लोगों को यही कह सकता हूं, और फिर बकौल अलामा इकबाल कि नहीं है नाउमीद इकबाल, मैं नाउमीद नहीं हूं। मैं आज आपके प्रदेश में आया हूं, नाउमीद नहीं हूं, कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरान से। मेरी खेती उजड़ गई है, मेरी खेती खत्म हो गई है, पर मैं नाउमीद नहीं हूं। अखे जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये जो बिहार की मट्टी है इसमें बड़ा दम है, इसमें बड़ा दम है। बस थोड़ी सी नमी अगर अच्छे बिहार को चलाने के लिए कोई नेक आदमी, कोई अच्छी लीडरशिप यहाँ पर आ जाए, मेरी अकल दंग है, मेरी अकल से बालातर है कि बिहार के जो लोग हैं, जो पंजाब में खुशहाली है उसकी बुनियाद बिहार के लोगों ने रखी है। हिंदुस्तान की कोई इमारत नहीं है जो बिहार की मेहनत और बिहार के खून पसीने से नहीं। और मैं मेरा दिल दुखता है, माफ़ करना, असल में आपसे दिल की बातें करनी थी, पर हमारी क्योंकि ज़ुबान पंजाबी है, वो मादरी, वो दिल की बात जब तक आप अपनी ज़ुबान में नहीं बोलते तो, पर क्योंकि आप समझते नहीं है पंजाबी, मुझे कौमी ज़ुबान का सहारा लेना पड़ रहा है। पर मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि बिहार के लोग जब हिंदुस्तान की धूप में और इतनी गर्मी में वो तपते हुए रेत को अपने पसीने से ठंडा कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि बिहार के बेटे और बेटियाँ गैरों की झिड़कें लेते हैं अपने अपने माँ बाप से दूर,
और एक रोटी के लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये बिहार की हालत को बदलना है, बिहार की किस्मत को बदलना है, बिहार के तकदीर को बदलना है। और इस तकदीर को बदलने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आज अपील करने आया हूँ कि मुझे आप जैसे ईमानदार और गैरतमंद लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ गई। मैं मदद लेने आया, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, अब मदद करो और इस किस्म का देश बनाएंगे जिस देश में कोई अनपढ़ ना रह जाएगा, इस किस्म का देश जिस देश में कोई बेरोजगार ना हो। तुम्हारा और मेरा देश इस किस्म का देश हो जिस देश जो देश अपने बच्चों से प्यार करेगा, और किस किस्म का प्यार करेगा, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ की गोदी में प्यार मिलता है, इस किस्म का देश बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा, इस किस्म का देश बनाने के लिए बिहार के लोगों को आज कांग्रेस पार्टी की मदद की ज़रूरत पड़ गई। कांग्रेस पार्टी का एक माजी है, कांग्रेस पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री है इस मुल्क की खिदमत के लिए, जो कोई इसको माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी की सोच में कोई खोट नहीं है। और हम मेहनत और मोहब्बत से ये मुल्क बनाएंगे, और इतनी मेहनत करेंगे, वो किसी कवि ने लिखा है, मैं बस दो मिनट और मैं बंद करता हूँ, कि वो बोलता है कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी। जो वो जंत्री देखते हैं, जो विद्वान होते हैं, तो वो तारों की दिशा से बोल देते हैं कि आपकी तकदीर कैसी है, पर मैं कांग्रेस की तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत के मैंने सदा उजाले देखे। और तस्करा उसने लकीरों का वही छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथों के छाले देखे, जब पंडित जी ने देखा इसके तो हाथों में छाले हैं, इसकी तकदीर बुरी हो ही नहीं, जो बंदा मेहनत करता है उसकी तकदीर बुरी कैसे हो सकती है। मैं बिहार के लोगों को फिर यही कहना चाहता था कि ये तकदीर का खेल नहीं है, ये मेहनत का खेल है। और अच्छे अच्छे आदमी इस मुल्क को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए अगर हमें मिल जाएंगे तो वाकई बिहार की जो तकदीर है वो करवट ले लेगी। और मैं आज बिहार के खास करके नौजवानों को, जो क्योंकि कांग्रेस ने जो राजनीति करी है वो किसानों की है, वो नौजवानों की है, वो मजलूम और मजदूर की है। मैं आज बिहार के नौजवानों को आज बोलता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े होके अगर बिहार के बेटे बेटियों ने, नौजवानों ने अगर ललकार मार दी, आपकी ललकार सुनकर दरिया अपना रास्ता बदल लेंगे। मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ मेरे से उम्र में बड़ी हैं, कुछ मेरी बेटियों के जैसी हैं। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर बहनों की दुआएं मिल जाएं, अगर माओं की असीसें मिल जाएं, बहनों की दुआओं से परमात्मा तकदीर बदल देता है। बिहार की तकदीर बदलेगी, बिहार की किस्मत बदलेगी, क्योंकि बहनें जो हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं। और मैं, क्योंकि पंजाब की सरजमीन से मुंसलिक हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा ये भी दिल दुखता है कि जो हमारे अनाज होता है और जो बिहार में अनाज होता है, अनाज में कोई फ़र्क नहीं है, पर जो बिहार का किसान है उसको उस किस्म की हिफाजत नहीं है, किसान के मुफादात की हिफाजत करने वाला यहाँ कोई नहीं है। कम से कम 30% जो अनाज का, गेहूं का, मक्की का, धान का जो कीमत है, पंजाब में अगर 1900 मिलती है तो बिहार में 1100 मिलती है। और ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला बंद करेगी अगर कांग्रेस पार्टी आ। बच्चे जो हैं उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने, बच्चे इज्जत की रोटी खा सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम भी जिले में पहुंचे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हमारे गठबंधन के जो प्रमुख हैं तेजस्वी यादव जी, नौजवान नेता, वो भी जबरदस्त प्रचार में निकले हैं। जब सभी लोग प्रचार कर रहे हैं तो हम भी आ गए हैं मुंबई से बिहार के लोगों से एक अपील करने के लिए। आलोक जी ने कहा कि
बिहार की जड़ों को समझने वाले सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, हम बिहार की जड़ से निकले हुए एक छोटा सा पौधा है। बिहारी हूं और इस बात का बड़ा फक्र है, और ये बात सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बंबई में भी बहुत जोर से कहते हैं। रोजी रोटी की तलाश में मुंबई चले गए, वहीं जाके सेटल हो गए, बाद में मौका मिला, राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गए, फिर वहीं पे मुंबई के लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर यूपी बिहार के लोग भी हैं। 28 अक्टूबर को मोतीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा की तैयारियों को लेकर रैली के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने जानकारी दी। 28 अक्टूबर को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके सभा के कार्यक्रम में कोविड को लेकर बनाए गए सभी गाइडलाइनों का पालन किया जाएगा। यह बातें रैली के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला सभा मोदी जी का दरभंगा, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा पटना में होगा। मुजफ्फरपुर के बरुराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में होना है, जहां से 28 विधानसभा को लेकर यह सभा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे विरोधियों पर। इस सभा का वर्चुअल कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा 128 जगहों पर, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतीहारी के कुछ हिस्से होंगे। मुजफ्फरपुर की सभा में मंच पर नीतीश कुमार नहीं होंगे। अभी तक मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी की 3 रैली पहले हो चुकी है, उसमें भी आगे बढ़कर इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी ताकत झोंक दी है। हो रही है रैली स्थल की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, और इस रैली का एक दूसरा पार्ट है, इस रैली के जितना संख्या हमारी उस रैली स्थल पर रहेगी उससे कई गुना ज़्यादा लोग वर्चुअल माध्यम से इस रैली से जुड़ेंगे। इस रैली में 4 जिले शामिल किए गए हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। 128 स्थानों पर हम LED स्क्रीन लगा करके इस रैली को डायरेक्ट प्रसारित करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे सैकड़ों स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अपने घरों में बैठ करके TV पर डायरेक्ट 10-20-25-50-100 लोगों के साथ डायरेक्ट प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे। इस रैली में 3 विधानसभाओं के कांटी, साहेबगंज और बर्राज विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, 3 विधानसभाओं के लोग रैली स्थल पर आएंगे। रैली में आप सबको पता है 50,000 लोगों की अनुमति मुझे प्रशासन ने दी है। हम लोगों का प्रयास है को 50,000 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड के नियमों का अक्षर सा पालन, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है और हम सब भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि रैली स्थल पर कोविड के जितने नियम हैं उस सब का पालन करवाया जाए। उस दिशा में हम लोगों ने कुर्सी लगाने की व्यवस्था जो की है वो दूरी बना करके 1-1.5 मीटर की दूरी पर कुर्सी लगाई जा रही है, और वहाँ पर जो भी मास्क आम आदमी पहन करके वहाँ पर आए, सैनिटाइज करके आए, ये सारी व्यवस्था पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और लक्ष्मण जी के मार्गदर्शन में लगातार पिछले 10-12 दिनों से रैली की तैयारी चल रही है। जो हमारी रैली को संचालन करने के लिए समिति बनाई गई है वो 20 सदस्यीय समिति है, और मुझे लगता है कि वो सभी लोगों ने रैली की सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। आशा मुझे यह है कि जो हमने अनुमति ली है उनको तो हम अंदर बैठाएंगे ही, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह बर्राज विधानसभा और अगल बगल की विधानसभाओं में दिखाई पड़ रहा है कि रैली में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, और उनको कैंपस के बाहर अगर वो आकर के बाहर खड़े होकर के सुनेंगे तो उनसे भी हम लोग निवेदन करेंगे कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगा करके रैली स्थल पर, मैंने वहाँ सड़क पर जहाँ भी उनको खड़ा होने की जगह मिलेगी वहाँ पर पूरा कोविड के नियमों का पालन करते हुए उस रैली में वो शामिल हों। हमारे इस रैली के मंच पर 5 माननीय प्रधानमंत्री जी को ले करके 5-6 लोग रहेंगे, जिसमें हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं,
जदयू के राजीव रंजन जी उर्फ लल्लन सिंह जी हैं, हमारे वर्तमान सांसद यहाँ के अजय निषाद जी हैं, श्रीमती रमा देवी जी उस शिवहर की सांसद हैं, सुनील कुमार पिंटू जी हमारे सांसद हैं, और संचालन हमारे प्रदेश के महामंत्री देवेश कुमार जी करेंगे। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि आगे के रो में एक तरफ महिलाएं बैठेंगी, उसके बगल में मीडिया की रहने की व्यवस्था की गई है, और जस्ट सटे हुए उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि लोग जो ऐसे पार्टी के या समाज के संभ्रांत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है, और उसके बाद जनरल लोगों के बैठने की व्यवस्था हुई है। क्रमवाइज पीछे भी जो हमारे ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में कहाँ कौन बैठेगा इसकी पूरी व्यवस्था करके हम लोगों ने इस रैली की तैयारी हम लोगों ने पूरी की है, और मुझे आशा है कि इस रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश मुजफ्फरपुर और इस अगल बगल के ज़िलों के लोगों को या बिहार के लोगों को देने दिया जाएगा, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम किए हैं और बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जो बिहार के विकास के लिए काम किया है, निश्चित रूप से उन विषयों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस रैली के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 94 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार मंत्री सुरेश शर्मा ने कई जगहों पर आम लोगों से जनसंवाद किया। 28 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा आयोजित है। इस जनसभा का सीधा प्रसारण शहर के 10 जगहों पर होनी है, जहां हजारों की संख्या में जनता सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राज नारायण सिंह महाविद्यालय अखाड़ा घाट बांध रोड, जिला स्कूल मैदान, LS कॉलेज मैदान, LNT महाविद्यालय, सिकंदरपुर सामुदायिक भवन तथा मधुबनी पंचायत पकड़ी पेठिया सहित शहर के 4 चौक चौराहों पर इस जनसभा का सीधा प्रसारण होगा। जनसभा में आमंत्रित करने हेतु भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाए तथा लोगों को आमंत्रण किया। नगर विकास एवं आवास मंत्री सह राजक गठबंधन समर्थित भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा ने ब्रह्मपुरा अम्बेडकर नगर, शेखपुर सिनेमा के पास, इंद्रपुरी कॉलोनी, मझौलिया गुमटी, माई स्थान, मारीपुर आदि में जनसंवाद के जरिए लोगों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आग्रह करने पहुँचे। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारत देश को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जो जिस बात को कहता है वह करके दिखाता है। राम मंदिर, कश्मीर मुद्दा, 3 तलाक, इन सब बातों को साबित करता है। भारत का सम्मान पूरे देश में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को ओजस्वी भाषण सुनने हम अपने निकटतम स्थल पर पहुँची और अपना समर्थन NDA सरकार को दे। हम अपने प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, जो कहेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। मंत्री श्री शर्मा ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमितेश कुमार लड्डू, नीलेश कुमार वर्मा, मनीष कुमार, अमित रंजन, हरिओम कुमार, कृष्णा महतो, बलिराम भगत, भोला चौधरी, रामेश्वर पासवान, प्रणव भूषण मोनी, परितोष कुमार सिंह, आनंद प्रकाश मिंटो, आनंद कुमार सिंह, अमिताभ कुमार, बबलू अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। दोनों बच्चा हिला के रख दिया। देखिए, जोगिया मठ में जन संवाद के अवसर पर यहाँ के गरीब स्लम एरिया के माताएं बहनें इन सब लोगों ने अपने बात को रखा है। इस मोहल्ले में हमने बहुत सारा काम किया है और आगे भी इस मोहल्ले का जो काम होगा वो हम करेंगे। इसलिए जोगिया मठ में जो भी लोग हैं उन्होंने यह कहा है कि एक एक वोट हम NDA प्रत्याशी सुरेश शर्मा को कमल निशान पर अपना बटन दबा करके उनको जिताएंगे, और आगे जब वो जीत के आएंगे तो अपना और जो काम बचा हुआ है वो करवाएंगे। यही आज इस मीटिंग का निचोड़ है और आगे भी हमको कई एक जगह जाना है, इसलिए मैं इन लोगों से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच
जेईई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाए जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया स्थित नंदन गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट से चोरों ने नकदी समेत
30 लाख के आभूषण पर किया हाथ साफ। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया स्थित नंदन गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर K36 से तकरीबन 30 लाख रुपए का गहना जेवर समेत कई अन्य सामान चोरी कर लिए गए। चोरों ने इस भीषण चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब फ्लैट के सभी लोग दुर्गा पूजा के मौके पर गाँव गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी अमीर रंजन अपने पूरे परिवार के साथ मझौलिया स्थित नंदन गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर K36 में रहते हैं। बीते 23 अक्टूबर को अपने पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने गांव गए थे। अचानक जाने के 3 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को फ्लैट में रह रहे पड़ोसियों के द्वारा इस घटना की जानकारी फोन द्वारा मिली। घटना के संबंध में गृह स्वामी अमीय रंजन ने बताया कि हर साल पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा में गांव जाते थे, इस बार भी गए थे। इसी बीच इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि फ्लैट से 2 लाख नगद समेत लगभग 30 लाख के ज्वेलरी सामान गायब हैं। एक्चुअली दशहरे की छुट्टी में हम लोग हमेशा अपने गाँव जाते हैं, तो इस बार भी हम लोग अपने गाँव चले गए थे 23 तारीख के दोपहर में। उसके बाद फिर कल सुबह में हमारे अपार्टमेंट में बाकी लोग टहल रहे थे तो उनको मेरा ताला खुला हुआ दिखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ताला खुला, आप लोग आ गए हैं क्या? हम लोग भी शॉक्ड हो गए। हम लोग कहा नहीं, हम लोग तो गांव में ही हैं। तो हमने मैंने ही उनको कहा कि आप अंदर खोल के देखिए क्या हुआ। तो फिर उन्होंने अपार्टमेंट में ही और जो अगल बगल में एक दो लोग थे उनको बुलाया और सब लोगों ने जब खोल के जब वो लोग अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि मेरे घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है और सारे सामान गायब हैं, जो भी वैल्यूएबल्स हैं मेरे घर के सारे वैल्यूएबल्स गायब हैं घर से। कितना लगभग लॉस होगा? लगभग 30 से 35 लाख का लॉस है। क्या क्या ले गया है इस घर में? मेरी मम्मी के, मेरे वाइफ के, मेरी भाभी के, मेरे बच्चे के जितने भी जेवर्स थे आज तक के शादी के, जितने भी सोने के गहने थे, चांदी के सारे बर्तन, चांदी के जो भी वैल्यूएबल्स थे, मेरे मम्मी पापा सीवियर डिजीज से ग्रसित हैं तो उनके लिए इमरजेंसी में मैं हमेशा घर में 1.5-2 लाख रुपये रख के जाता हूँ ताकि अचानक मैं ना रहूँ और इमरजेंसी हो तो उसके लिए कोई जरूरत हो। वो सारे कैश मेरे लगभग 2 लाख रुपये कैश चले गए। एक चीज बताइए, जैसे ये तो अपार्टमेंट है, यहाँ तो सिक्योरिटी सेफ्टी सीसीटीवी वगैरह सब होते हैं? सर जी, यहाँ पे हम लोग इसी के लिए पिछले लगभग 2-3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है और हमेशा हम लोग को यह आश्वासन देता है कि हर कुछ सही है, लेकिन जब हम लोग आए और हम लोगों ने इन सब चीज के बारे में जानना चाहा कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्या निकल गया है तो पता चला कि सीसीटीवी खराब है, गार्ड के पास कोई एंट्री नहीं है, कब कौन आया क्या हुआ और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ के मैनेजमेंट के पास उपलब्ध नहीं है और ना ही मैनेजमेंट अभी तक मेरे पास आया है कि एक बार सांत्वना देने भी मेरे पास आया है यहाँ का मैनेजमेंट। सिक्योरिटी कॉस्टिंग वगैरह तो लेते हैं? जी जी, सारा कुछ यहाँ से लिया जाता है, पेमेंट करते जी। और इस चीज को लेके बहुत बार हमारे पास बिल्डर से भी और जो मैनेजमेंट थे उनसे वाद विवाद भी हुआ है कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाए लेकिन उनके द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब ना सिक्योरिटी था ना सीसीटीवी? जी, ना सिक्योरिटी था ना सीसीटीवी, भी जान के खराब बोला, पूछा गया तो बोला गया सीसीटीवी खराब। कितने दिनों से खराब है सीसीटीवी? भरवली उन्होंने बोला कि 15 दिनों से खराब है, जिसकी जानकारी फ्लैट के किसी भी मेंबर्स को नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लैट के ऑनर्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता होना चाहिए। कौन का इंसिडेंट हुआ होगा कुछ बताइए? ये उम्मीद से चूंकि संडे को सुबह में बगल में एक अंकल है वो गए हैं तो उन्होंने देखा ताला लगा हुआ था, लेकिन फिर दोपहर में जब कुछ लोगों ने देखा तो उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया बट उनको उन्होंने बोला कि ताला खुला हुआ था तो उनको लगा कि हाँ जैसे कि मेरा ससुराल पक्ष भी यही है तो उन लोगों को लगा कि हो सका मेरे ससुराल से कोई आए होंगे ना, तो उन्होंने इस चीज में इंटरफेयर नहीं किया। कल होकर सुबह में जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग भागलपुर नवगछिया के रहने वाले हैं। ऊपर कहाँ? बुचा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए वीआईपी के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जिले के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बुचा विधानसभा में एनडीए वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने भिखनपुर पंचायत के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। मुसाफिर पासवान ने कहा कि बुचा की जनता मेरे साथ है और पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। से स्वतंत्र हुआ देश तब से लेके आज तक कि वो पासवान साथ के जो बहुत अढ़ाई विधानसभा क्षेत्र से गजपा प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने इलाकों के कई गांवों का दौरा किया। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। औराई से गजपा प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने औराई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जनसंवाद कर औराई की बदहाली पर चर्चा कर लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि अब तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने औराई के विकास पर ध्यान ही नहीं दिया है। औराई के लोग आज भी चचरी पर चलने को मजबूर है।
उन्होंने जनसंवाद के दौरान लोगों से यह वादा किया है कि 3 सालों के अंदर औराई को चचरी मुक्त करेंगे अगर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो। नगवारा पंचायत में घुसे हैं अधिकांश परिवार, नगवारा पंचायत का गरीब गुरुवा है जिनको न इंदिरा आवास मिला जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, और ये गांव की बेटी है की नाम ये बीना देवी है, हमारे गांव की बेटी है नगवारा की, और इनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, लेकिन इनको भी जमीन किसी ने नहीं दिलवाया। पति का नाम बताओ? जनार्दन चौपाल। और ये बगल में हम देख रहे हैं कि बूथ मेंबर कौन चौपाल बने हुए हैं, रामसूरत जी का, रामसूरत जी की सरकार है, और नीचे भी ऊपर भी। फिर क्यों नहीं इस बेटी को दिलवाए लोग? इस बेटी को तो आस्था दिलाते, जमीन दिलाते, घर बनवाते। तो हम अशोक झा पहसौन के हैं और ये हमारे बगल के बेटी है, तो बेटी है हम उनको जमीन भी सरकारी दिलवाएंगे और मकान भी बनवाएंगे, क्योंकि कानून है कि जो भूमिहीन है उनको जमीन देना है, उनका घर बनवाना है। विशेष नहीं कहेंगे प्रमोद चौपाल, हाँ हाँ लगाया है, लेकिन इनका काम क्यों नहीं करवाता है? इन्हीं का पड़ोसी है, तो यदि विधायक रहा है उसकी सरकार है और ये भूमिहीन है, तो 2 दिन से तो भूमिहीन है नहीं, ये यहाँ बस गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।